आई एम सॉरी बच्चा, कल हमजा ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया ना, मुझे मेरी मुलाजमा ने बताया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। आप क्यों माफी मांग रही हैं? देखिए, अब आप इस तरह करेंगी तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। अगर मुझे बुरा लगा होता तो यूं आज फिर ना आती मैं। पता नहीं क्या हो गया उसे, बिल्कुल ही गुमसुम रहने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर किसी ने कोई अमल कर दिया हो? क्या आप यकीन रखती हैं इन सब बातों पे? जादू तो बरहक है ना, और हो सकता है कि किसी की बुरी नजर लगी हो उसे। कुछ भी हो सकता है। अम्मा के ना एक जानने वाले पीर बाबा, बाकी बाबाओं की तरह वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मुतमईन हो तो एक बार उनसे बात कर लें। बस मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटा पहले की तरह हो जाए। अगर वो इसी तरह कमरे में बंद रहा तो एक दिन पागल हो जाएगा। आंटी, ये भी तो मुमकिन है कि हमजा को किसी हमदर्द और मुखलिस इंसान की जरूरत हो जो हर वक्त उसके साथ रहे। अब देखे ना, मुलाजिम तो ये काम नहीं कर सकते। वो इंसान जो मुखलिस हो, बेगर्ज हो, क्योंकि हमजा को प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। आप समझ रही हैं ना? चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी।